नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी शर्मा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नसरुल्लागंज नगर में अतिक्रमण को लेकर प्रशासनिक अधिकारी सख्त नजर आ रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने आज जेपी मार्केट में व्यापारियों द्वारा किए गए अतिक्रमण हटाया। वहीं सख्त लहजे में कहा कि अगर नालियों के ऊपर सामान रखा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए एसडीएम दिनेश सिंह तोमर ने कहा कि अब प्रत्येक बुधवार को नसरुल्लागंज में घूमकर देखा जाएगा और नाली के ऊपर सामान रखा देखा गया तो सामान की जब्ती कर प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। सर, आज मार्केट में अतिक्रमण की जो मुहिम चलाई गई थी, किस प्रकार से मुहिम कब तक चलेगी? तो यार ये हमने ना पहले काफ़ी 15 दिन से रेगुलर इनको समझाइश दे रहे हैं, काफ़ी लोगों ने हटा लिया था, कुछ लोग हटा नहीं रहे थे। आपने देखा होगा, हम आप लोग हमारे साथ में ही थे, पूरी जगह नाली कई जगह से चोक है, चोक होने के कारण गंदगी काफ़ी हो रही थी। हमारे जो कर्मचारी हैं वो नाली सफाई नहीं कर पा रहे थे, नंबर एक तो ये सबसे बड़ी दिक्कत थी। दूसरा ये था, पब्लिक को इतनी अधिक परेशानी थी कि ये नाली से आगे 5-5 फीट 4-4 फीट इनका इंक्रोचमेंट था, तो फिर उस पर सामान रख लेते थे, उसके बाद फिर पार्किंग थी, तो वहाँ पर रास्ता कहीं दिखता ही नहीं था। आम आदमी को काफ़ी दिक्कत थी। हमने व्यापारी संघ की बैठक करी थी, व्यापारी संघ की बैठक के बाद हमने सभी ने यह निर्णय लिया है कि जो नाली है, नाली की सीमा के बाहर कोई भी नहीं जाएगा। सर, अक्सर देखा गया है कि जब हमला हटा देता है, प्रशासन हटा देता है, उसके बाद वो दुकान वाले वापस बढ़ा लेते हैं। नहीं, हम लोगों ने अभी ये तय किया है कि हम प्रति बुधवार को निकलेंगे हमला लेके, हर बुधवार को हमला लेके निकलेंगे। यहाँ भी अभी तो हमने समझाइश दी है, किसी कोई कार्रवाई ऐसी नहीं करी। अगली बार यदि किसी का सामान नाली के बाहर मिलता है तो उसको जब्ती कार्रवाई की जाएगी। सर, जिस प्रकार से अतिक्रमण हटाया जा रहा है, क्या सिर्फ नाली की साफ सफाई या कोई सौंदर्यीकरण या मार्केट? सौंदर्यीकरण भी हो ही रहा है, सौंदर्यीकरण भी साथ में है। यदि इंक्रोचमेंट हटेगा, जगह दिखेगी, लोगों की सुविधा रहेगी और सौंदर्यीकरण भी इससे बढ़ेगा आने वाले समय में। यानी कि प्रत्येक बुधवार को इस प्रकार का प्रशासनिक हमला अतिक्रमण हटाने निकलेगा, जो बचे हुए हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नसरुल्लागंज से खबर समय जगत के लिए हेमंत वैष्णव की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.